प्रयागराज में भीषण बाढ़ के बाद अब माहौल थोड़ा खुशनुमा हो गया है। बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को काफी प्रभावित किया था, लेकिन अब संगम क्षेत्र में फिर से श्रद्धालुओं की रौनक दिखाई दे रही है। बीते 3 से 4 दिनों में संगम से बाढ़ का पानी काफी कम हुआ है और लोग फिर से उसी संगम में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। अभी तो पानी बहुत बढ़ा हुआ था, यहाँ से हनुमान मंदिर तक बढ़ा हुआ था। अभी तो लोग आने जाने लगे हैं, पर्यटक भी आने लगे हैं, यहाँ पे नावें भी चलने लगी हैं ठीक ठाक, और जो तीर्थ पोहित थे उनका भी काम चलने लगा है पानी के हटने से। पानी हट रहा है, हट तो मजे गया है, थोड़ा बहुत आ रहा है जा रहा है, पर यहाँ रौनक अच्छी हो गई है प्रयाग क्षेत्र में। अब तीर्थ पुरोहित और नाव वाले भी खुश नजर आ रहे हैं कि हाँ चलने लगा है। उनकी व्यवस्था अर्थव्यवस्था जो खराब हो गई थी वो थोड़ी बहुत चलने लगी है, उतना नहीं पर चलने लगी, जीवन का उनकी चलने लगी है। तकरीबन 20-25 दिनों से ज्यादा तक बाढ़ के कारण संगम तट पर जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था, जिससे यह क्षेत्र पूरी तरीके संवेदनशील होने के कारण बंद कर दिया गया था। इससे यहाँ से अपनी आजीविका चलाने वाले नाविक और तीर्थ पुरोहित काफी परेशान हुए थे, लेकिन बाढ़ का पानी कम होने के कारण अब उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। अगस्त का महीना था, बाढ़ चल रहा था, बाढ़ के क्षेत्र में यहाँ से बढ़ते बढ़ते हनुमान जी मंदिर के टापू तक गया है, वहाँ से फिर धीरे से खसकते हुए आई है। अब यहाँ जल घट गया है, अब इस समय जो है नाव यात्री आने गए, यात्रीगण आ गए हैं, तो नाव को कुछ चहल पहल शुरू हो गया है। अब आप लोगों को थोड़ी राहत है? अब क्या राहत, जो सब आ रहे हैं उसी से कुछ बिजनेस अपना जारी है, उसी से वर्तमान में मिल रहा है, खाने पीने का चल रहा है। ठीक है, रौनक अब संगम में दिखाई दे रही है? हाँ, कि जनता काफ़ी जो है ज़्यादा तक रौनक दिखा रहे हैं। अगस्त के महीने में दोनों नदियाँ खतरे के निशान से तकरीबन 1.5 मीटर ऊपर बह रही थी और गंगा जमुना में आई बाढ़ ने प्रयागराज के कई हजार घरों को प्रभावित भी किया था। संगम क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक लेटे हुए हनुमान मंदिर तक भी पानी पहुंचा था, लेकिन अब एक बार फिर से संगम क्षेत्र की पुरानी तस्वीर देखी जा रही है। संगम क्षेत्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद आकिब रजा ने। संगम शहर प्रयागराज का संगम तट एक बार फिर से गुलजार नजर आ रहा है। हम जहां मौजूद हैं, आपसे कुछ दिन पहले यहां पर पानी हुआ करता था और बहुत दूर तक यहां पर पानी हुआ करता था, लेकिन अब पानी कम हुआ है, या कहें कि दोनों नदियों का जो जलस्तर है वो कम हुआ है, और अब एक बार फिर से जो रौनक है संगम तट पर वो देखने को मिली है। हम मौजूद हैं संगम तट पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में आज वो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, अब आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और संगम का जो नज़ारा है वो भी देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। नाव वालों से भी जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि करीब 1 महीने तक जो उनका नाव का जो कारोबार था वो ठप था, लेकिन अब जैसे दोनों नदियों का जलस्तर कम हुआ है वैसे वैसे स्थिति जो है वो सामान्य होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे दोनों नदियों का जलस्तर धीरे धीरे करके और कम हो रहा है, और लोग अब यही भगवान से विनती कर रहे हैं कि जलस्तर में अब दोबारा बढ़ोतरी ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।